press this subscribe button. Press this subscribe button. आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल. ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ये क्लास टेंथ मैथमेटिक्स इसमें है. ये चैप्टर सेकंड चैप्टर के पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं. तो ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इसका मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है लास्ट वीडियो में, वो चैनल पे मौजूद है, उस पे आप देख सकते हो. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी थी मैंने. तो आज हम ज़ीरोस निकाल के ज़ीरोस की रिलेशन थोड़ा सा समझाएंगे आपको कि पॉलीनोमियल में ये ज़ीरोस कैसे निकाले जाते हैं. तो हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है. I will write down here. This is question. This is polynomial in x is x square plus 7x plus 10. ये आपके पास polynomial है. इस polynomial को आपने zeros निकालने हैं. तो आप इसके zeros कैसे निकालोगे, कैसे find करोगे, तो ये हम आज सीखेंगे इस क्लास में. इसके ज़ीरोस निकालने के लिए आपको सेम, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा उसी की तरह आपने इसका भी ज़ीरोस निकालने. 10 इंटू 1 10, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 5 10, ये बनेगा 2x प्लस 5x, ये 7x. इस मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए इसके फैक्टर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये बने इसके फैक्टर्स. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है एक्स स्क्वायर, 7x के बदले में लिखूंगा मैं 2x प्लस 5x प्लस 10. तो अब मैं इसमें से x कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2, इसमें से कॉमन निकलता है प्लस 5, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2. तो पॉलीनोमियल्स का, किसी भी पॉलीनोमियल का ज़ीरोस निकालते समय आपने यह दिमाग में रखना है, याद रखना है कि अगर वो पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके ज़ीरोस इस तरह से आपने निकालने हैं. तो यहाँ से ये और ये टर्म एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ये ब्रैकेट में जो ये आपका सेम आना चाहिए. इसके बाद इन दो में से एक एक्स प्लस टू यहाँ पर है एक्स प्लस फाइव, एक्स और ये प्लस फाइव. नाउ ये दो तभी ज़ीरोस हो सकते हैं जब ये एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं. तो यहाँ से आपको निकलेगा इधर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कामा माइनस फाइव. तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया. आई फाइंड आउट द ज़ीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड. ये फैक्टराइजेशन मैंने किया. व्हेन आई फैक्टराइज दिस एंड द टू ज़ीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर -5, -5 and -2. How can we say this, that these two zeros -2 and -5 are zeros of this polynomial?
हम कैसे ये कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल दैट दिस टू आर जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल. व्हाई वी कॉल दीज टू वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव. दीज टू वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. हाउ आई विल एक्सप्लेन यू. एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन. This is p of x, polynomial x, but this is a quadratic polynomial. Now, when I will put 1, 0, that is minus 2, in this quadratic polynomial, at the place of x, I have to write down minus 2 and 7, there is x, but in the place of x, I have to write minus 2 plus 10. Is equal to 4 minus 14 plus 10 is equal to 14 minus 14, which is equal to 0. It means when I put this minus 2 first 0 in this quadratic polynomial, jahan se maine isko nikala, jab maine is quadratic polynomial mein इसी वैल्यूज को डाला तो वहां से निकला द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो. सिमिलरली व्हेन आई विल राइट डाउन सेकंड जीरो, आई विल पुट सेकंड वैल्यू ऑफ सेकंड जीरो इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दिस विल बिकम माइनस फाइव स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस फाइव plus 10, this will become 25 minus 35 plus 10, this will be equal to 35 minus 35 minus 35, which is equal to 0. तो आपको समझ आया होगा द टू जीरोस माइनस टू एंड माइनस फाइव, व्हाई वी कॉल दीज टू वैल्यूज द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो. This is the condition that we call these two values. We can say that these two values are the zeros of this polynomial. अब हम कह सकते हैं कि यही दो values x is equal to minus 2 minus 5, यही दो values इस quadratic polynomial को zero बना देते हैं. तो इन्हीं दो values को हम zeros और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की इस पॉलीनोमियल के जीरोस कहते हैं, क्योंकि ये इसको ज़ीरो बना देते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को. तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अब मैं ज़रा यहाँ से लूँगा लीनियर पॉलीनोमियल. सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1. नाउ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 3. दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलीनोमियल. व्हेन आई विल पुट माइनस 1 बाय 3 इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दिस विल बिकम माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, 3 3 कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. पी ऑफ minus 1 by 3 is 0 of this polynomial. This value is 0 of this linear polynomial. This is a linear polynomial because there is only one variable. There is only one variable with degree 1. This was the quadratic polynomial because in this polynomial, the highest power of this polynomial is
highest power of this variable is 2. That's why we call this polynomial as quadratic polynomial, and this polynomial is linear polynomial. In this linear polynomial, minus 1 by 3 is 0 of this polynomial. So, after seeing this, you may have understand that which value we call the 0 of a quadratic polynomial, that value must satisfy the required polynomial. Us chitthi wana Kashmiri mein hum bolte hain Kashmiri kosher port wana is wano tathi zeros of polynomial ki so zeros so value gaisi tat equation zaruri zero bana satisfy karun yani zero banane khatir tab is wana tat aise ko zeros of this polynomial. To ye ek important point hai isme concept hai polynomial mein zeros of polynomial aapne isko samjha hoga maine kaise isko solve kiya bade easily samjha hai aapko ab isko 2 3 4 bar dekhiye aur fir practice kariye apne rap pe practice kariye practice karne ke baad aapko easily samajh aayega ki polynomials ke zeros kaise nikale jate hain. Press this subscribe button. Press this subscribe button.